ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रहा है तो आज हम थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर डाउट्स होगा डाउट सेशंस भी रहेगा आज। लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो बच्चों, तो एक सवाल मैंने कल कहा था, ये जानने के लिए अच्छा सा क्वेश्चन इसको देखना है। हालांकि ऐसा सवाल मैंने काइनेमेटिक न्यूटन्स लॉ में भी ऐसा क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा सा आइडिया दिया है, फिर से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये रॉड है, ये सपोज हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल वॉल वाई एक्सिस, ये इसको, एंड दिस रॉड हैज लेंथ ए बी इज इक्वल टू एल, और ये एंगल दिया है थीटा। पूछा जाएगा सपोज इस पॉइंट का वेलोसिटी वी है, है ना, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, ओके, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, VCM क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स, थोड़ा सा कंबाइंड क्लासेस और रोटेशन के कांसेप्ट यहां पे लेंगे, तो ये अच्छा सवाल है, बहुत सारी चीज सीखेंगे, अच्छे से समझना। यही तो मैं एक काम करता हूँ, सेंटर के एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यहाँ बता दूंगा। रिकॉर्डिंग चालू है। ए पॉइंट का वेलोसिटी मान लो वी ए लिख देता हूं, वी ए बी का लेंथ कांस्टेंट है, तो कुछ याद है न्यूटन्स लॉ में बताया था कंस्टेंट बच्चों, ये रॉड है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में, तो व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग द रॉड, अब देखो यहाँ पे कंस्टेंट क्या है कि VB का डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी का इधर, दिस इज द कंस्टेंट, पॉइंट B इधर मूव कर रहा है, रॉड के अलोंग कंपोनेंट्स आर इक्वल, है ना, तो ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री थीटा है, ये थीटा है ना, अलोंग द रॉड वी इक्वल होंगे, इक्वल होंगे वेलोसिटी, बिकॉज दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन ये होगा कि कोई बॉडी का कोई भी दो पार्ट लिए उसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो तो कहेंगे कि बॉडी इज रिजिड, अदरवाइज फ्लेक्सिबल होगा, चेंज होगा, रॉड का लेंथ चेंज नहीं हो रहा, ये हमने कंस्ट्रेंट रिलेशंस में डिस्कस किया था, तो बहुत इजीली तुम लोग बता पाओगे कि वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा, और यहां से VB निकालना था हो जाएगा VA tan cos VB, ठीक है ना, ये रिलेशन है। इसे बच्चों एक और चीज पूछता है, इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ये अभी पढ़ाया नहीं तुम लोगों को, कभी कभी शुरुआत में पढ़ाते हैं, अभी तुम लोग शायद नहीं पढ़ाया, या अगर मैं डिस्कस करूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, VCM क्या होगा, तो VCM क्या x डायरेक्शन होगा, या VCM का कोई x कंपोनेंट भी होगा, और VCM का कुछ y कंपोनेंट, है ना, मुझे x और y दोनों कंपोनेंट निकालना है,
देखना बहुत ही इजीली मैं बताता हूँ। मान लो बच्चों इसी टाइम पर ये डिस्टेंस है एक्स और ये डिस्टेंस है वाई, सपोज ऐसे भी लेते हैं इसको बहुत तरीके से। देयर आर मेनी मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, मैं अभी सबसे इजी मेथड बताता हूँ, इसको एकदम ध्यान में रखना। लेट्स दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एट एनी टाइम टी, अभी सिचुएशन है। तो बताओ डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे क्या है, dx by dt is v है ना, is it clear? okay, और dy by dt क्या है, v भी है लेकिन y decrease हो रहा है इसलिए v भी नीचे है ना, magnitude में तो v भी है, clear? मुझे निकालना बच्चों center of mass का velocity, बताओ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है अभी, अगर ये x है तो x by 2 और ये डजंट मैटर थीटा क्या है, x by 2 y by 2 है कि नहीं, तो अगर मैं पूछूं कि vcmx क्या कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं क्या vcmx क्या होने वाला है, d by dt of x by 2 d by dt of और dx by dt तो मैं पता है कितना है, ये क्या होने वाला है, ये भाई इज इट क्लियर, vcm y क्या होने वाला है, माइनस vb / 2 लिख लो यहां तक एकदम 100% क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई कह दे VCM कितना है, VCM का अगर मैग्नीट्यूड कोई पूछे तो क्या कहोगे, 1/2 VA I cap plus VB, लेकिन सपोज सिर्फ VA दिया हुआ तो VB को VA के टर्म में लिख लोगे क्या हो जाएगा, VA by 2 I cap plus VB को क्या लिखे, VA into cot theta j, this is velocity of center of mass, सही लिखा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे अभी, चूंकि ये सवाल ले लिया तो ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं फिर दूसरा कर सकते हैं। लास्ट क्लास में बिल्कुल सच्चे कंसेप्ट सीखे थे बच्चों, पिछले क्लास में चल रहा था इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ऑनलाइन कितने बच्चे ज्वाइन किए अभी, यस आगे काफी बच्चे, कार्तिक तुम बहुत क्लास अब्सेंट रहता है मतलब ऑफलाइन में, कुछ ज्यादा बच्चे नहीं है, आदित्य आयुष आयुष सही गायकवाड़ श्रेया लिखिए आगे बढ़े। हमने बच्चों में एक छोटा सा कैनोमेट्रिक वाला पार्ट डिस्कस करता हूँ, ओमेगा निकालने का। अगर मान लो कोई पॉइंट और इसका वेलोसिटी v है, ठीक है ना, सपोज ऐसे सर्कुलर पाथ से रिलेट करता हूं, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ये डिस्टेंस है r, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हो, v by r, ये v इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो v by r है ना, अगर पूछा जाए जैसे ये जा रहा है तो ये d theta by dt है, इज इट क्लियर, d theta by dt ओमेगा, अगर मैं यही कहूं कि इसके अबाउट इसका एंगुलर वेलोसिटी इतना कहेंगे, लेकिन अगर इसी पार्टिकल का मैं कहूं दूसरे पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी अभी इस मोमेंट पे क्या है, वो अलग हो जाएगा ना, है ना, क्योंकि अगर मैं कुछ किसी दूसरे पॉइंट की बात करूं तो अभी इसका वेलोसिटी v है, इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी v / r, अगर इस पॉइंट के अबाउट कहें तो मान लो यहां से यहां सपोज जाता है तो इसका एंगल कम चेंज होगा ना इसके अबाउट, है ना, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ,
अगर इस पॉइंट का अभी v है, इसके अबाउट अगर एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा है, इसके अबाउट कितना होगा ओमेगा? अगर ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा थीटा बाय 2। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल करेगा, इसके अबाउट एंगल ऑफ वेलोसिटी, इस पॉइंट के अबाउट एंगल ऑफ वेलोसिटी इसका ओमेगा है, इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा बाय 2। ओमेगा बाय 2 हो जाएगा, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है इस मोमेंट, अगले मोमेंट पर अलग हो जाएगा। तो अभी मैं एक चीज बताने वाला हूं, अगर मैं कहूं कि बच्चों कि ये पॉइंट है, इसका वेलोसिटी ना इधर, जैसा जो पहले ऐसे इसका वेलोसिटी इधर है, तो क्या इसके बाद कोई एंगल वेलोसिटी है क्या? नहीं। क्यों? वेलोसिटी इधर है तो एंगल पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? अगर इधर है तो एंगल वेलोसिटी है, इधर है तो एंगल वेलोसिटी। अगर मान लो मैं बात करूं कि नहीं, इसका जो एंगल वेलोसिटी है if v is in this direction theta angle pe, can you find what is the angle of velocity v sin theta by r? sabko samajh mein aa raha? That means can we state like this, angle of velocity ho jayega wo kya ho jayega, v ka perpendicular component divided by r। bolo isme kisi ko dikkat? v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय दिस इज एंगल ऑफ वेलोसिटी, लिख लो एंगल ऑफ वेलोसिटी किसी पॉइंट के अबाउट किसी पार्ट की। तो अगर किसी भी पार्ट का भी कुछ वेलोसिटी v है, इसका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के अबाउट एंगल ऑफ वेलोसिटी डिफरेंट होगा, इसके अबाउट कुछ है, इसके अबाउट कुछ है, इसके अबाउट कुछ है, इस मोमेंट इसके अबाउट जीरो है एंगल ऑफ वेलोसिटी, इस पॉइंट पर ये क्लियर। अलग-अलग पॉइंट पर किसी भी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी, तो वैसे भी हम रोटेशनल वेलोसिटी के टाइम परपेंडिकुलर ही तो ले रहे हो। अब अगर कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, अब सुनो अभी मान लो इस पॉइंट का वेलोसिटी हम क्या करते हैं, सपोज इधर दे दिया, ठीक है, कुछ एंगल थीटा पे, क्या अगर कहा जाए कि इस रिजिड बॉडी के इस पॉइंट का वेलोसिटी कुछ अलग होगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है वेलोसिटी, ये रॉड रिजिड है, इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर इधर है, इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर पॉसिबल है क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका इधर कंपोनेंट इधर और इसका इधर कंपोनेंट इधर, दोनों बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है। इसका अगर मान लो दे दिया सपोज ऐसा है, बी बी हो सकता है, ऐसा तो हो सकता है, इसका रॉड इस दोनों पॉइंट को मिला दिया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, तो तुम कहोगे VA, इसका अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी कितना है, VB sin, है ना। अब मैं तुमको यहां पे बैठा देता हूं, यहां पे बैठ जाओ, ये पॉइंट का वेलोसिटी किधर दिखेगा, क्या इधर दिख सकता है क्या, यहां पे बैठ के देख, नीचे किधर, नीचे कितना दिखेगा, कितना दिखेगा नीचे, मतलब वी बी साइन थीटा, वो उससे ऐड हो जाएगा प्लस वी ए साइन थीटा, बहुत बढ़िया, वी ए साइन थीटा, तुम बहुत अच्छा करो थीटा वन, इट क्लियर? यस। यहां पे बैठ के देखेंगे तो ये पॉइंट इस वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, खुद ऊपर जा रहा है, दो ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, है ना। तो नेट वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का वेलोसिटी इतना, इज इट क्लियर? और रॉड का लेंथ बच्चों सपोज एल है,
तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे रेस्पेक्ट में ये पॉइंट नीचे जा रहा है, मेरे रेस्पेक्ट में नीचे जा, परपेंडिकुलर ही जाएगा, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा अपॉन आर अपॉन एल, वही है, समझा? तो लिख लो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड, सर कुलकर्णी गार्डन का भी इसी के साथ चालू है? नहीं, कुलकर्णी गार्डन बहुत पीछे है। क्या रुशल बात कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ सर। अच्छा, कुलकर्णी गार्डन जाना चाहता है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो वहां तो बहुत पीछे है, तो अच्छा है तुम्हारे लिए। फिजिक्स पीछे है, बाकी सब ठीक होगा सर। ओके सर। वहां लेकिन पढ़ने वाले कम बच्चे हैं, देख लो। चलो बच्चों, तो मैंने अभी जो सवाल लिया था इसमें फिर से वापस आते, मैंने ये रॉड लिया था जिसका लेंथ एल है बच्चों, और इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, ठीक है? तो मैं बात करूं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, एंगुलर वेलोसिटी कितना है। तो तुम लोगों ने अभी निकाल लिया कि सर इसका वेलोसिटी vv कितना होगा, ये भी निकाल लिया, और ये vv कुछ आ गया था कितना, vv is equal to va cot theta, va cot theta। अब बच्चों अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करते हैं, किसी एक रॉड पर बैठ जाते हैं, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पे बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए, तो सबसे पहले तो देखते हैं ये इसका इधर कंपोनेंट कितना है, ये हो जाएगा vv cos theta cos theta, और इसका इसका इधर हो जाएगा कितना, va sin theta sin theta, क्लियर? तो अगर मैं पूछूं कि मान लो कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, velocity of a with respect to b इस direction में होगा, कितना हो जाएगा, va sin theta plus vb cot theta cos theta, comfortable इसमें, यहां से बैठकर इस point पर इतना velocity से देखेंगे जाते हुए, so what will be the angular velocity बच्चों, वो upon a है ना, थोड़ा सा solve कर ले, va, अच्छा एक सेकंड, vb cot theta नहीं, तो va cot theta है ना, va cot theta ना, तो va कॉमन ले लिया, va sin theta plus cos theta को क्या लिख सकते हैं, cos theta by sin theta, ये cos square by sin theta, और whole divide by, अब देखो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा ये, कैसे लिख सकते हैं।
जी बताइए। हाँ काम के लिए आप 8 मिलियन सही ना? इसमें ओमेगा लिख लिया बच्चों, मेरा मेन टारगेट था इसमें एक और चीज, टू राइट काइनेटिक एनर्जी, है ना। इस मोमेंट पर अगर इसका वीए है तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, लिखने का क्या तरीका बताया था? रोटेशन प्लस तो हाफ एम बी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम। अब देखो बी सी एम भी हमने निकाल लिया, वीए के टर्म में बी सी एम भी निकाल लिया और ओमेगा भी निकाल लिया, आई सी एम तो पता ही। तो क्या लिख लेंगे, हाफ एम VCM कितना था यार, VA by 2 था कुछ, VA by 2 का स्क्वायर प्लस VA by 2 cot theta का स्क्वायर। इज इट क्लियर? ऐसा बोलो, ये था हाफ एम VCM स्क्वायर, अब प्लस हाफ ICM कितना हो जाएगा, ML स्क्वायर by 12 सेंटर मास के बाद इनटू ओमेगा 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 निकाल चुके हैं, बाय अपॉन एल साइन थीटा स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इसको पार्शियल स्क्वायर थीटा लिख लिया, सॉल्व कर लेंगे निकल जाएगा, लेकिन ये बड़ा सा आएगा, बट एनीवे आना चाहिए, तुम्हें लिखने आना चाहिए और एकदम सिस्टमैटिक वे से गए हमने लिख लिया। इज इट क्लियर? सब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसके काइनेटिक एनर्जी लिखने में बहुत हेल्प करेगा, इजीली हम लिख पाए। आगे बढ़े इससे,
तो हेडिंग डालो ओके सर, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या? ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना बच्चों, कि ये रॉड है सपोज, ओके, अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे वो रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, सबसे पहले डिस्कस किया, फिर डिस्कस किया कि बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन में है, इन दैट केस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बॉडी रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव है, लेकिन जरूरी कि सेंटर ऑफ मास में बैठते ही प्योर रोटेशन कर रहा है, एक्चुअली में अगर हम यहाँ पे बैठ कर देखें तो भी ये रॉड का कुछ ओमेगा होगा, यहाँ पे बैठ कर देखें तो भी रॉड का वही ओमेगा होगा, जिसे मान लो भी रॉड का पोजिशन ये है, ठीक है ना, कुछ देर बाद सपोज रॉड का पोजिशन हो गया ऐसे, मान लो कभी फॉर द टाइम में ये फिक्स कर रहा हूं, ये है ए और ये है, तो ए देखेगा कि बी हमारे से कितना एंगल घूम गया है, कितना एंगल घूम गया, सी भी कितना एंगल घूमा है, ए में बैठ के देखेंगे तो जितना एंगल से बी चला है उतना एंगल से सी भी चलाएगा, ये सेम चलाएंगे, तो यहां से बैठ के देखेंगे तो इसका 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 सबका एंगल वेलोसिटी क्या है, इज इट क्लियर, समझना इसको सेम है ना, कोई कहेगा सर अगर मैं क्या करता हूँ, मैं बी में बैठ के ए को देखता हूँ, तो बी का बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा, बी का बैठा हुआ आदमी देखेगा कि यार मेरे से पहले ये तो इधर था, इधर इस तरफ, मतलब ये देखेगा पहले ये यहाँ था यहाँ आ गया, तो ये एंगल थीटा के भी कितना है, तो बी से बैठ के ए को देखेगा तो क्या देखेगा, वो थीटा एंगल ही रोटेट का और सेम सेंस में रोटेट किया या फिर इसमें, नहीं देखो इससे रिस्पेक्ट में इधर देखो मेरा थंब पड़ा है इधर और यहाँ से भी इधर सेम सेंस में रोटेट किया, इज क्लियर, दैट मीन समझना कि रिजिड बॉडी के एक पॉइंट से बैठ के किसी दूसरे पॉइंट को देखेंगे, किसी भी पॉइंट को देखेंगे, ऑल द पॉइंट्स विल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, अब कोई डायरेक्शन भी नहीं, डायरेक्शन भी, इज इट क्लियर, एक रिजिड बॉडी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देखेंगे तो सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या दिखेगा, कंफर्म ना, अब सुनो अगर सपोज ये ऐसे रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ ओमेगा है, तो हर पॉइंट का ओमेगा ही है, लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट ये ले लिया, इसका सपोज कुछ वेलोसिटी बच्चों v1, सपोज इसका वेलोसिटी है कुछ v1, ये बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन में जा रहा है ना, तो इस पॉइंट का इसके अलग कोई भी पॉइंट के अबाउट अलग एंगल वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट का अलग होगा, इस पॉइंट का अलग होगा, इस पॉइंट का अलग होगा, ग्राउंड के किसी पॉइंट के अबाउट इसके वेलोसिटी एंगल वेलोसिटी क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, कैसे मान लो मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ठीक है ना, तो इस पॉइंट का अभी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दिस वेलोसिटी अपॉन दिस वन, आर चेंज होता रहेगा, और इसके लिए ये वेलोसिटी अपॉन दिस, इसके अबाउट लोगे तो अलग आएगा, तो डिफरेंट पॉइंट के अबाउट अलग अलग पॉइंट के रिजिड बॉडी के पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी अलग होगा, इज इट क्लियर, अब कोई कहे कि इस रिजिड बॉडी का इस पॉइंट के अबाउट बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इस बॉडी का तुमको यार बॉडी का कैसे बताएंगे, अलग अलग पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन नहीं होगा, क्यों नहीं डिफाइन कर पा रहे, बिकॉज डिफरेंट बॉडी है, डिफरेंट ओमेगा, किसका ओमेगा, इज इट क्लियर, लेकिन बॉडी के किसी पॉइंट के अबाउट दूसरे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सब सेम ही आएगा, तो वही बॉडी का ओमेगा कहेंगे उस बॉडी के किसी पॉइंट के अबाउट, इज इट क्लियर, अब मैं बात करता हूं कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है बाहर बॉडी का बाहर कोई मतलब ऐसा पॉइंट है क्या जिसके अबाउट बॉडी इस सारे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम हो सकता है क्या कोई ऐसा पॉइंट जिसे इस पॉइंट का अबाउट अलग होगा इस पॉइंट का अबाउट अलग होगा इस पॉइंट का अबाउट अलग होगा तो ऐसा पॉइंट इस समय वो पूरा बॉडी उस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं instantaneous axis of rotation उस instant पे पूरा body उस point के about pure rotation करता है उस point के about pure rotation करता है ठीक है ना
मतलब उस पूरे बॉडी का ओमेगा सेम ही रहेगा उस पॉइंट का मोमेंट. इज इट क्लियर? तो हमें बच्चों ढूंढना है कि वो कौन सा पॉइंट हो सकता है, उस वो पॉइंट निकाला, उस वो एक्सिस निकाला जिसके बाद बॉडी रोटेशन कर रहा है उस इंस्टेंट. इज इट क्लियर? बॉडी के अंदर है, बॉडी के कहीं भी हो सकता है मतलब. हाँ, और दूसरा चीज कि उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो रोटेट कर रहा है ना, वो उस मोमेंट पे रेस्ट में एट इंस्टेंट प्योर रोटेशन में बोलो, इसी एक्सिस के बाद प्योर रोटेशन. तो जिसके अबाउट कर रहा है फिक्स एक्सिस, उस मोमेंट पे उसका वेलोसिटी क्या लेंगे? जीरो. वेलोसिटी उसका जीरो. इज इट क्लियर? तो हमें क्या टारगेट करना है बच्चों कि अगर कोई बॉडी है जैसे इसका कह दिया कि वी वन है और ये क्या है वी टू है, और इसमें सिंपली मैं बोल दू कि बताओ कौन सा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. तो मान लेते हैं ये लेंथ एल. तो मैं कहता हूं सपोज इस पॉइंट के अबाउट ना सारे बॉडी का ओमेगा सेम ही, यही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो मैं कहूंगा कि चलो ये डिस्टेंस एक्स अगर है, तो लिखूंगा कि v1 इस पॉइंट के अबाउट इसका कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो v1 अपॉन x हो जाएगा. और कहोगे इसका कितना हो जाएगा? v1 अपॉन l + x. और यहां से x निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा ना x? हां आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्स, मतलब यही है इंस्टेंटेनियस एक्स. किसी भी पॉइंट से नहीं, किसी पॉइंट का और नहीं, देखो इसका दोनों का दोनों पॉइंट का वेलोसिटी क्या दे दिया? पैड वन. तो लिखो हेडिंग डालो हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब हुआ कि होल बॉडी इज इन प्योर रोटेशन अबाउट दैट एक्सिस, उसी को कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. At that moment, whole body is in pure rotation about मैंने पहले ये समझाया बच्चों, इतना प्यार से थोड़ी समझाता है, इतनी सारी चीज है कि बॉडी का ओमेगा अलग पॉइंट अबाउट अलग होगा, डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं. हमने कहा कि लेट्स ये एक पॉइंट है जिसके अबाउट पूरे बॉडी का ओमेगा क्या है, मैंने दो ही पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया इसका वेलोसिटी v1 है, तो इसका इसके अबाउट क्या हो जाएगा v1 by x, और इसी का इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा v2 अपॉन l plus x. और कराया कि अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो जो ओमेगा इस पॉइंट का वही ओमेगा इसका होगा, वही होना चाहिए इसका, वही इसका होना चाहिए. इज इट क्लियर? वो एरिया x अननोन है ना, x अननोन है ना, x निकल जाएगा ना, x निकल जाएगा. और ये जो ओमेगा आएगा ना बच्चों, यही एक पॉइंट में बैठ करके दूसरे में देखोगे ना, तो ये ओमेगा वही रहेगा. इनफैक्ट तुम यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ समझना इसको, यू कैन राइट यहाँ पे बैठ के इस पॉइंट को देखो कितना वेलोसिटी होगा आशीष. ये मान लो पी क्यू रॉड ले लिया, पी पॉइंट से बैठ के क्यू को देखोगे, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑनलाइन वाले बच्चों? ये जो ओमेगा है बॉडी का वही इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट भी वही ओमेगा होगा. ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा ऑनलाइन में कि अगर ये बॉडी है तो इस कोई भी जनरल पॉइंट के अबाउट बॉडी का ओमेगा डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स विल हैव डिफरेंट एंगल ऑफ वेलोसिटी अबाउट दैट. एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके अबाउट पूरे बॉडी का ओमेगा सेम रहेगा. लेकिन ग्राउंड में हम बैठ के देखेंगे तो इसका वेलोसिटी v2 माइनस ऊपर नहीं, v2 है ना, ग्राउंड टू ए बस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है. तो ग्राउंड का वो पॉइंट मतलब जिसके अबाउट ये जो है प्योर रोटेशन कर रहा है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. अभी तुम इतना समझा दो इसका वेलोसिटी ज्यादा इसका वेलोसिटी कम है, सो यू कैन इजीली रियलाइज कि बच्चों के इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर होगा. इज इट क्लियर? देखो इसका वेलोसिटी छोटा बनाया, इसका वेलोसिटी बड़ा बनाया, दिख रहा है? अगर मान लो कोई बताता है कि नहीं ये रॉड ऐसा है, देखते हैं
रॉड का वेलोसिटी इधर बड़ा है और इधर छोटा है, कैन यू फाइंड ईएस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रोटेशन किधर होगा बच्चों? राइट साइड इधर होगा। मैं पूछूं कितना होगा? 2v by 2x plus l v by l। ये डिस्टेंस अगर x पूछा जाए कि कहां होगा, तो एक तो इसके अबाउट रोटेशन करोगे तो v by l हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, बट इसके अबाउट अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? v by x दैट इज इक्वल टू 2v minus l plus l। ये v भी चला जाएगा, दैट मींस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब यहां से l डिस्टेंस। इज इट क्लियर? बोलो बच्चा, तो क्लियर? Yes. अब अगर मान लो मैं पूछूं बच्चों कि अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये निकाल लिया है ना, और अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन यू कैन फाइंड इजली व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दिस इंस्टेंट। देखो इसके बाद प्योर रोटेशन कर रहा है ना, तो जब प्योर रोटेशन कर रहा है ओमेगा मुझे पता चल जाएगा, ओमेगा कितना हो जाएगा? v बाई एल, v बाई एल, या तो यहां से देख लो या यहां से बैठ के देख लेंगे 2v माइनस v बाई एल है। इसके बाद इसका वेलोसिटी v cm में बहुत इजीली लिख पाऊंगा, यस सर, ओमेगा इनटू l या l 3l बाई 2 चल रहा है। इसके बाद प्योर रोटेशंस कर रहा है, ओमेगा VCM लिख लिया, VCM लिख लिया इजीली, ओमेगा पता है तो ओमेगा इनटू VCM बहुत इजीली लिख लिया। क्लियर सर? वो डायग्राम एक बार विजुलाइज करके बताओ ना, सबसे पहले वाला, सबसे पहले सर वो एक पॉइंट पे फिक्स है और वैसे रोटेट, एक पॉइंट पर उस मोमेंट पर उस पॉइंट के बाद प्योर रोटेशन कर रहा, वो फिर मोमेंट नेक्स्ट मोमेंट पर हो सकता है उसका चेंज हो जाए एक्सिस, अभी उस पॉइंट के बाद प्योर रोटेशन कर रहा है ना, इसलिए इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पर किसके बाद प्योर रोटेशन कर रहा, इस इंस्टेंट पर जब वेलोसिटी ऐसा है। अदरवाइज अभी देखो ये डायग्राम ऐसा है, कुछ देर बाद ही ऐसा होने वाला है, तो क्या लग रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने वाला है ना? कंबाइन ट्रांसलेशन रोटेशन है। चलो बच्चों कौन सा और समझ में आ जाएगा, देखना मैं एक और सवाल लिखता हूँ, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसको सही सही सॉल्व करता है। सपोज इसका वेलोसिटी बच्चों 2v है और इसका वेलोसिटी v है, अभी रॉड का लेंथ l है, ये रियल बताएगा तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। ये रॉड अगर पूछा जाए किसी किस एक्सिस के बाद अभी प्योर रोटेशन कर रहा है, अबाउट सेंटर, दिस इज द सिचुएशन, वो एक्सिस का इधर लाई करेगा कि इधर लाई करेगा? अगर तो इधर आता तो ये सब कैसा रोटेशन होगा? इसका देखोगे तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे, इसका एंगुलर वेलोसिटी इधर है, इज इट क्लियर? तो इधर कोई पॉइंट हो सकता है क्या? क्या लग रहा है? कोई बीच में पॉइंट होगा इनसाइड द बॉडी, ये तो मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो इसके बाद ये अभी इस स्टैंड पे रेस्ट में है, ये पॉइंट इस स्टैंड पे ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अभी इस पॉइंट पर प्योर रोटेशन कर रहा है, ये अभी रेस्ट पे है, इसका वेलोसिटी होगा जीरो, इसका क्या लिखेंगे? v बाई एक्स हो जाएगा ओमेगा, और इसको अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2v upon l minus x। अब इसको सॉल्व कर लोगे? कैसे सॉल्व? वो विदिन बॉडी दिया क्योंकि दोनों से एक ही साइड में डायरेक्शन आ रहा है। हाँ। अभी दिखा ना किधर रहता तो अलग हो जाता, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इधर तो एक्सिस एग्जिस्ट करेगा ना इधर, तो बोलो ये समझ में आया? यहाँ से x निकल जाएगा, x कितना जाएगा? L minus x is equal to इतना तो 3x, x is equal to L by, यहाँ से L by 3 पे जाके ये कर रहा है, ठीक है ना? कितना डिस्टेंस पे?
अब देखो ये अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल गया तो तुम यहां से कहोगे कि ये पॉइंट ट्रेस्ट नॉट इसका इस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा v / l / 3 कितना हो जाएगा ऐसे बोल सकते हो या यहीं पे x w तुमको क्या सर ये तो हम डायरेक्टली पहले से ही पता था कैसे यहां पे बैठ गए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट l टू v पर इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी कितना है 3v दिख रहा है तो 3v / l कर दिया कि नहीं तो ओमेगा निकालना तो क्या करो इस पॉइंट पर बैठ के इसके इसका देख लो एंगुलर वेलोसिटी और डिवाइड बाय डिस्टेंस लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना तो ये करना पड़ेगा मित्र इज इट क्लियर लेकिन अभी तक जितने सवाल लिए बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढने के लिए एक तो रॉड लिया और वेलोसिटी पैरेलल लिया ना अगर वेलोसिटी पैरेलल हो किसी एंगल्स पर जैसे मान लो ये आर्बिट्री बॉडी ठीक है और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढना है बच्चों तो इनफैक्ट मैंने मुश्किल काम कर दिया है आसान वाला काम बचा हुआ है कोई आर्बिट्री बॉडी और दो पॉइंट का वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शंस दिया हुआ है कि किधर डायरेक्शन है एंड यू कैन फाइंड दैट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक है ना क्या बोल रहा हूं अगर किसी भी बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढना है सो व्हाट वी नीड ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू पॉइंट ऑन द बॉडी क्लियर यस मान लो बच्चों एक पॉइंट ये दे दिया ठीक है ना तो दूसरा पेज दे दिया कोई भी बॉडी है और एक पॉइंट ये ले लिया बच्चों एक पॉइंट ये ले लिया और मुझे क्या ढूंढना है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस बॉडी और इस पॉइंट का वेलोसिटी कुछ दे दिया इधर सपोज ये v1 ओके इस पॉइंट का वेलोसिटी दे दिया सबको इधर कुछ दे दिया क्या ये दोनों एक्सिस बच्चों पैरेलल है क्या नहीं पैरेलल का केस तो हमने ले लिया था पैरेलल नहीं है क्या करो आइडिया बता रहा हूं ऑनलाइन वाले बच्चों भी सुन लेना ध्यान से ये दोनों जो डायरेक्शन है ना ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्शन इस पॉइंट के बट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है तो ये दोनों डायरेक्शन कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा कहीं कहीं तो जहां इंटरसेक्ट कर रहा है यही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यही पॉइंट ठीक है ना और अगर ये v1 है सपोज ये डिस्टेंस x1 है सपोज ये डिस्टेंस कुछ तो होगा यही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और अगर ओमेगा चाहिए तो v1 / x1 होगा यही ओमेगा होगा और यही तो प्रोफेसर इससे लिख सकते हैं क्या यस यू विल गेट द सेम रिजल्ट देखो ये देखो लाइन परपेंडिकुलर है ना और ऐसे ओमेगा इनटू आर परपेंडिकुलर होता है कि नहीं यस परफेक्टली राइट है कि नहीं यस I'm going to go to the next one.
इस लेवल तक जा सकती जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन कौन सा करते हैं यार? एक सवाल क्या है इसके बाद लोग व्हाट टेस्ट का जस्ट आंसर्स की कंफर्म कर रहा हूं रिकॉर्डिंग ऑन टाइम लेकर 13 क्वेश्चंस है मैं बता रहा हूं क्या है सवाल M1 M2 है और क्या पूछा इसको U दे दिया वेलोसिटी है ना ये 1 के जी है और ये है द स्प्रिंग इज अनस्टेज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K दे दिया है कितना 2 N/m न्यू का वैल्यू दे दिया बच्चों 0.5 बड़ा आसान सवाल यार सब कुछ तो बता ही दिया क्या पूछा नाउ द लेफ्ट ब्लॉक इज इंपार्टेड वेलोसिटी यू राइट आई शो द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ यू सच दैट द ब्लॉक ऑफ मास m2 नेवर मूव m2 को मूव नहीं करना है m2 को मूव क्लियर जब m2 को मूव नहीं करेगा बच्चों तो kx का जो फोर्स है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन मतलब 5 meter का कंप्रेशन करना है तो इसका यू वेलोसिटी कितना है 5 meter का है तो एनर्जी बाय एनर्जी थ्योरम डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू बाय बाय फ्रिक्शन डेल्टा के का हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर और फाइनल जीरो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू
हाफ के इनटू एक्स नॉट एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर फाइनल इज इट क्लियर माइनस निकल तो जीरो दैट इज इक्वल टू वर्कडन बाय फ्रिक्शन माइनस 0.5 म्यू mg म्यू n इनटू एक्स इनटू एक्स इज इट क्लियर तो हाफ एम यू स्क्वायर कितना आ जाएगा इसको इधर लिख ले जाओ इसको इधर लेके आ जाओ ये हो जाएगा बच्चों 25 25 ना प्लस वहां से जस्ट 25 प्लस कितना आ जाएगा ये 10 25 50 हो गया हाफ एम यू स्क्वायर 50 एम कितना दिया 1.1 यू कितना आ रहा है तो 30 का कितना हो गया बाकी सब सही होगा 13 का 10 है तो दूसरे का 6 होगा एक बस का 12 का एसी दिया था वो चलो आपने ट्यूटोरियल भेजा हमको हाँ भेज दे तू चलो एक और कर लेते हैं यार सर रिजल्ट का बंदे लग रहे दो तीन आज यार और एक और सवाल लेते हैं सर 17 के 17 भेज लेते हैं पहले 12 लेते हैं 12 में क्या दिया देखते हैं आसान था क्या थ्री फिफ्टी हाँ 69 कुछ है और ये कितना है 64 है ये तो ये किसका ग्राफ है बच्चों U वर्सेस एक्स का ग्राफ है पूछा है क्या At x is equal to 5, particle has kinetic energy 50 joule. In fact, U का equation दे दिया 50 plus x minus 3 का whole square. ये equation है ना? पहला at x is equal to 5. Particle has kinetic energy 50 joule. तो potential energy कितना हो जाएगा x equal to 5 पे? 5 put करके जल्दी से. 15 plus 4, 19. तो total energy कितना हो जाएगा? बच्चों total energy कितना हो जाएगा? 69 joule हो जाएगा total energy. ये क्या यार? 69 joule. तो A is correct. The mechanical energy of the system is 19 joule. गलत, B गलत, C at x is equal to 3 kinetic energy of the particle is minimum. तो C ground हो जाएगा ना? The maximum value of kinetic energy is 54 joule. तो maximum value of kinetic energy क्या होगा? यहाँ पे होगा ना?
और ये यहाँ पे हो जाएगा टोटल एनर्जी 69 माइनस 15 दैट इज कॉल्ड 54 ना तो डी इज करेक्ट सर मैक्सिमम होगा ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा मतलब एक भी गलत टिक कर दिया मान लो सबको चारों तीन सही है ना तूने तीनों सही किया और चौथा भी टिक कर दिया तो माइनस टू तीन का डायरेक्ट एक नहीं तीन का मतलब वो तीन मार्क्स तो मिलेंगे नहीं पर चार माइनस टू माइनस टू एक मार्क्स करेंगे अगर दो भी दो टिक किया तो दो मार्क्स दो राइट ऑप्शन में से एक टिक किया सिर्फ वही टिक किया ना तो वन मार्क्स तो भी आईआईटी जेई का एग्जाम है उसका पैटर्न ऐसा ही रहता है दो करेक्ट और एक टिक किया तो प्लस टू दो करेक्ट किया और हाँ तो वन मार्क्स अगर गलती से तेरा ऊपर किया तो सीधा माइनस तो सीधा माइनस अगर सपोज ए बी सी डी और सपोज ए करेक्ट है सी करेक्ट है डी करेक्ट है इज इट क्लियर अगर ऐसा है इफ यू टेक ए ओनली यू विल गेट वन मार्क्स इफ यू टेक ए सी ओनली यू विल गेट टू मार्क्स इफ यू टेक डी ए सी सी डी You will get marks. If you take BCD, you will get minus two. Is it clear? Sir, फिर zero मिलेगा ना C और अगर कोई सिर्फ B टिक किया तो भी minus किसी को ABCD टिक कर दिया तो भी minus two. आ गया तो minus two. मतलब positive mark की होगी नहीं उसने इसमें direct. नहीं. Positive mark की होगी नहीं. मतलब सही आ रही तो partial रहेगी और गलत तो गलत minus हो जाए. एक भी गलत टोटल मार्क्स माइनस का ही पता है जैसे ऐसे तो फिर मल्टीपल चॉइस में तीन टिक या तीन अटेम्प्ट मार्क दे देंगे सारे टिक कर देने के या तो मार्क्स मिल जाएगा या तो नहीं मिलेगा अरे एक भी गलत तो माइनस है ना माइनस टू है ना ऐसे नहीं होता जैसे पॉजिटिव में जितने हो रहे हैं नेगेटिव में जितने हो रहे हैं तो सब लोग सारी कर देते चाहे इसलिए इसलिए इसमें सजेस्ट किया जाता है जी अगर ये पैटर्न दिया पार्शियल मार्किंग का दिया ये इनफैक्ट ज्यादा डेंजरस पार्शियल मार्किंग का एक भी गलत ऑप्शन टिक हो गया तो जीरो भी नहीं माइनस टू मिलता इसलिए कहा जाता है कि अगर ऐसे है तो हम लोग सजेस्ट करते हैं बच्चों तुम लोग क्या करो कि जो एकदम से कंफर्म है यस वही टिक करो है ना लेकिन मान लो कभी कभी ऐसे भी आते हैं मल्टीपल आंसर करेक्ट में कि सपोज पार्शियल मार्किंग नहीं रहता उस केस में प्लस फोर कॉमा जीरो अगर ये मार्किंग है पार्शियल मार्किंग नहीं है तो उस केस में क्या होता है इफ यू टेक ए इफ यू टेक ए यू विल गेट जीरो मार्क्स इफ यू टेक ए सी यू विल गेट जीरो मार्क्स सी डी जीरो मार्क्स जीरो सिर्फ ए सी डी तो प्लस फोर अदरवाइज उसने टिक किया
लेकिन उसको क्या मिलेंगे लेकिन अगर प्लस फोर जीरो है तो फिर उस केस में क्या करना है, एसी किक किया और डी पे श्योर नहीं है तो बेहतर ये होता है कि डी लग रहा है सही या गलत है, सही या गलत, तो क्या करना है टिक कर देना चाहिए। तो इसमें कम से कम जीरो क्योंकि अदरवाइज जीरो ही जाएगा। अगर टिक हो गया सही है ये तो चार मार्क्स मिल जाएंगे, अगर ये नहीं सही है सॉरी भी जाएंगे, और अगर मान लो कि नहीं सिर्फ एसी टिक किया और डी भी सही था तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा उस केस में हमें, लेकिन पार्शियल में हफ के मार्क्स चले जाते तो एक्स्ट्रा, इसमें तो भी जीरो मिलते हैं कम से कम, इसलिए मैंने बोला ना कि पार्शियल मार्क्स ये भरने में जाता है, वो जाता है क्योंकि वो देखना पड़ता है कभी कभी, तो आगे बढ़े सर। चलो बच्चों, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे इंस्टेंटेनियस एक्सचेंज ऑफ रोटेशन, हमने क्या कहा कि आर्बिट्रेरी बॉडी है तो किसी भी दो पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बच्चों, डायरेक्शन, एंड वी आर एबल टू फाइंड कि उसका इंस्टेंटेनियस एक्सचेंज ऑफ रोटेशन क्या होगा। इज इट क्लियर? तो देखो एक बहुत ही अच्छा सा सवाल आज सीखे जाओगे तो क्लास सफल रहा तुम्हारा, देखना भी रियलाइज करो कि आज सीखा। देखो ये रॉड है, फिर से उसी सवाल पे आ रहा है, आधे घंटे से एक घंटे से चल रहा है, इस सवाल का यहाँ दे दिया वेलोसिटी वी भी दे दिया था कुछ अब बी ए क्लियर, और हमने इसमें सब कुछ निकाल लिया था ऑलमोस्ट, बट फिर से इसको देखो, इसका निकाला कि ये किस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है। आज ये सवाल सीख लिया मतलब बहुत कुछ सीख के जाओ, पूछ दिया कि किस पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है, तो मैंने क्या कहा बच्चों दो चीज चाहिए, दो पॉइंट का डायरेक्शन चाहिए, एक पॉइंट का दिया हुआ है और कहीं का दिया हुआ है कुछ नहीं है, अरे है ना कंस्टेंट है ना, पता ही नहीं है कंस्टेंट इधर जाएगा, अब बताओ इंस्टेंटेनियस एक्सचेंज ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर उसको इसके परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर लिया इसी पॉइंट से, कहीं और से नहीं ड्रॉ किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, इज क्लियर? यही हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सचेंज ऑफ, कोई दिक्कत? अगर मुझे निकालना है बच्चों की वर्टिकल ओमेगा मुझे देखो जादू बच्चों, ओमेगा क्या हो जाएगा इस पॉइंट के बाद प्योर रोटेशंस कर रहा था, v cos थीटा अपॉन ये थीटा, ये थीटा दिया था ना, यस ये थीटा तो l sin l sin थीटा यही आया था कि नहीं, यस कितना मेहनत करके लाए थे ना, यस यहां पे आसानी से आ गया है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं वो भी आना चाहिए 100% वो आना चाहिए, वो बेसिक है बच्चे, कॉम्प्लेक्स हो गए तो वो बेसिक्स है, वो डेवलप करना माइंड डेवलप करना है, वो तुम्हारे अंदर एबिलिटी डेवलप कर जो लिखा हो, बहुत सारी चीजें लिखा बट ये भी अब से क्लियर, इट क्लियर? वो मेरा लिखिए ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। अभी ये सवाल सोचो कि हमें ओमेगा लिखने आ गया इस बॉडी का, इस रॉड का है ना, बहुत इजीली हमने ओमेगा लिख लिया, इनफैक्ट बच्चों वी भी लिखा था ना, वी भी ना वी भी लिखने में टाइम लगा था, थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगा था, ऑल्दो यहां से तुम देखोगे वी भी कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू ये डिस्टेंस कितना है एल कॉस थीटा, ओमेगा इंटू एल कॉस थीटा, ओमेगा कितना था वी ए बाई एल साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ गया, आई बात समझ में? और सबसे मजेदार तो ये हो जाएगा बच्चों की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास,
सेंट्रो मास का वेलोसिटी। देखो इसके बाद क्यों रोटेशन करा, ये डिस्टेंस कितना है L by 2, बस L by 2, L by 2 sin theta, sin theta की जरूरत नहीं, ये कितना है L, तो ये कितना है L, ये कितना है L by 2, हाँ OB, L by, सिर्फ L by 2, इसलिए तो कितना हो जाएगा VCM, omega into L by 2, इसका मतलब ओमेगा कितना है ये sin theta 2 sin theta, दिस इज द ओमेगा, क्लियर? यस सर। ओके सर, उसमें तो बहुत बड़ा बड़ा आया था, उस समय बीसीएम निकालते, देखो बीसीएम याद करो, देखो पलट के मैं पीछे जाऊं क्या लेकर के फटाफट आ जा पीछे कहां पे कहते हैं यहां पे है ना ये बीए लेकिन आईटीएफ जेके में ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन करता है, बट मुझे मैंगटू चाहिए, तो मैंगटू चाहिए तो क्या देगा बी ए बाई टू बाहर आई कैप प्लस कॉट थीटा देगा वन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मुझे लगता है कि तुम लोगों को पता होगा वन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन स्क्वायर प्लस टेन सॉरी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस सेक स्क्वायर थीटा, कॉस सेक स्क्वायर थीटा का रूट कॉस सेक थीटा क्या हो जाएगा नीचे साइन थीटा, ये कितना है VA by 2 है कि नहीं समझ में, VCM कितना लेके लाया था, आगे पढ़े VCM VA by 2 क्लियर हुआ, ये जादू दिखा लेकिन बच्चों मैं फिर से बता रहा हूँ वो भी आना चाहिए, फिर पता है इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ वो जरूर आना चाहिए, ये आएगा ऑनलाइन वाले बच्चों, हम लोगों ने अभी क्या निकाल लिया सेंटर ऑफ मास का, रॉड के सेंटर ऑफ मास का स्पीड निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, वीबी तो पहले ही निकाल लिया था, किसी भी मेथड से ज्यादा दोनों इक्वली इजी है, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लिखना है इसका काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखना है लिखो फाइंड काइनेटिक एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड, और ये आज सीख लिया बच्चों तो समझ समझो क्लास अपन लास्ट था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड हालांकि मैंने अभी भी लिखाया था हाफ आई सी एम होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी सी एल स्क्वायर, लेकिन बहुत बड़ा हुआ था, ये समझता हूं क्या देखना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जानने का फायदा, बहुत इजीली लिखोगे कर सकते बच्चों की ये पूरा बॉडी जो है इसके अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, क्या कर रहा है प्योर रोटेशन कर रहा है, जब प्योर रोटेशन कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट तो काइनेटिक एनर्जी लिखना तो बहुत ही आसान है ना, हाफ आई प्योर रोटेशन कर रहा है तो सिंपली क्या लिखेंगे हाफ आई, लेकिन ये आई किसके अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, कोई बड़ी चीज नहीं है, एम एल स्क्वायर बाय 12 perpendicular axis theorem plus m d square l by 2 का square l by 2 का क्या हो जाएगा half i कितना हो जाएगा m square l square by 12 plus m m by 2 l by 2 का square into omega square जाएगा v square divided by l square sin square theta, समझा क्या? Yes sir, ये जोड़ दो बच्चों ये 4 है ये 12 है तो m स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा, आ जाएगा हाफ m l स्क्वायर बाय 3 इनटू v स्क्वायर डिवाइड बाय l स्क्वायर चला जाएगा और sin स्क्वायर थीटा v l स्क्वायर चला जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर m इनटू v स्क्वायर बाय 6 और ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल, इज इट क्लियर? अच्छे अच्छे बच्चों को मुश्किल हो जाएगा लिखना इस सिंपल सा सवाल कि मुझे इस रॉड का काइनेटिक एनर्जी बता दो कि अगर इसका वेलोसिटी तो कितना आसान लग रहा है, आईटी पूछेगा सिंपली कहेगा इस रॉड का काइनेटिक एनर्जी बता दो इस मोमेंट पे इसका वेलोसिटी भी है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये आसान क्वेश्चन सवाल नहीं है, किसी दोस्त से पूछ लेना, समझे क्या बात को इसको,
अच्छे से। तो आज ये सवाल सीख लिए बच्चों, और इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा से सवाल लेते हैं। हालांकि ये मोस्टली थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, आज मैं पढ़ाने वाला कुछ और था, ये पढ़ा दें अभी टाइम तो है, एक घंटा है। कल तो कहीं कल बार थकावट लग जाता है, कमजोरी तब मजा नहीं आया, मैं थका हुआ था, पहले छोड़ दिया था। तुम्हारा दिन खराब हो गया? थकावट मैंने एक्सीडेंटली हम क्लास 5 मिनट पहले साइड छोड़ दिया, बीच में से आके बोले कितना लेट छोड़ा, मेरी आदत थोड़ा लेट छोड़ने की है। बच्चों अभी क्या किया, एक बहुत अच्छा सा सवाल है, तो इसको एकदम सीख लो अच्छे से। ये रॉड है, and this is placed on a smooth surface mu equal to 0, this is placed on a smooth surface mu equal to 0, aur is rod ko kya kiya, thoda sa push kar diya, thoda sa to ye girna shuru ho jayega, agar girna shuru hua to kya hai, rod ka ye end jo hai wo fix hi rahega ya idhar jayega, kya lag raha hai? अगर अगर लेकिन ये सवाल मुश्किल है, इसको अगर छोड़ दिया स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, ये इधर जाएगा, इसमें फोर्सेस देखते हैं, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है और कौन सा फोर्स लग रहा है। जो फोर्सेज है सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है कि नहीं? Yes. सिर्फ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है क्या? हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है, इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में मूव करेगा? मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा, इज इट क्लियर? मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, तो यही सवाल पूछ देता है पुली को। इन दिस केस path of motion of center of mass will be vertical on a straight line, vertical straight line, path of motion of center of mass will be क्या होगा, vertical and straight line ना, क्यों ऐसा होगा, as forces are only in vertical direction। देखो इसलिए मैंने ये डायग्राम जो बनाया है ना वो ऐसा बनाया है कि सेंटर मास यही है, पहले यहाँ था अब यहाँ पे, ये एंगल सपोज थीटा बना रहा है, तो अगर कोई पूछा जाए कि इसका सेंटर मास का वेलोसिटी किधर होगा, तो ऐसा किधर होगा, सेंटर मास का वेलोसिटी नीचे होगा, इज इट क्लियर? अगर ये VCM दिया और ये एंगल थीटा दिया हुआ, तो कह दिया जाए सपोज इसका सभी वेलोसिटी VCM है, जो पता नहीं बट मैंने मान लिया कि VCM के टर्म में, कैन यू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द एंड A इन टर्म्स ऑफ VCM? कह दिया इस मोमेंट पे अगर सेंट्रल मास का वेलोसिटी VCM है तो A पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, ये एंगल थीटा, लिखो फाइंड वेलोसिटी ऑफ A, find velocity of A if center has velocity VCM. Find velocity of A if center has velocity VCM.
क्या कहोगे, क्या कंसेप्ट होगा? अभी VA का डायरेक्शन तो पता है ना किधर होगा, एक्स का एक्शन परपेंडिकुलर बना है ना, तो ये थीटा थी, थीटा थी, लॉन्ग द रॉड कितना हो जाएगा VA VA cos थीटा है और ये थीटा है, तो बच्चों ये 90 में थीटा, तो ये थीटा VCM CM sin थीटा, तो VA cos थीटा इज इक्वल टू VCM sin थीटा, बहुत इजीली हम लोग बता देंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, this implies VA is equal to VCM tan theta, इसमें शायद किसी को दिक्कत नहीं होगा, पहला मेथड है वो, तो वही ज्यादा इजी है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अब मैं पूछूं व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर उसी मेथड से करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में इसका देखो वेलोसिटी और इसमें अगर ओमेगा निकालना है तो देखो क्या कहेंगे, VCM का टर्म है, व्हाट इज ओमेगा, VCM बाय L बाय 2, बहुत बढ़िया, VCM बाय L बाय 2, L बाय 2 और एक है L बाय 2 cos थीटा ना, cos थीटा L बाय 2 cos, VCM बाय L बाय 2 cos थीटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, बोलो ये सही लिखा क्या, यस वैसे भी एक है ओमेगा, ओके यस, रेसिंग के लिए एक्सट्रापोलेशन से ओमेगा बहुत इजीली हमने निकाल लिया। अगर ओमेगा निकाल ले तो इस पॉइंट का वेलोसिटी बहुत इजीली निकाल सकते थे, ओमेगा इनटू एल बाय टू साइन थीटा, ओमेगा इनटू एल बाय टू साइन थीटा तो आ जाएगा बीसीएम कॉस थीटा, ठीक है, तो ये दोनों इक्वली इजी था। अब आती है बात बच्चों टोटल एनर्जी लिखने का, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, हालांकि ये बीसीएम बड़ा आसान है, बीसीएम हमने देख लिया है VCM के टर्म में, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ MVCM स्क्वायर या हाफ IP ओमेगा स्क्वायर, इज इट क्लियर, जो कंफर्टेबल, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे बड़ा अच्छे सवाल है बच्चों, जेई एडवांस लेवल का सवाल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ IP, समझ में आ रहा IP का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रोसेस इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा निकाल लिया, आईपी कोई बताएगा, कार्तिक कुछ हेल्प करोगे मुझे आईपी निकालने में, तो सर आईपी क्या हो जाएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमएल स्क्वायर बाय 12 प्लस एल बाय 2 साइन थीटा, एम एल बाय 2 साइन थीटा का कितना हो जाएगा, ओमेगा निकाल लिया, सवाल समझो, यहाँ से यहाँ पे अभी रेस्ट में था, स्लाइड पुश कर दिया, ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे गिरा, तो सेंटर ऑफ मास पहले बच्चों यहाँ था, अब यहाँ है, तो पोटेंशियल जी कितना गया नीचे, L by 2 minus L by 2 sin theta,
मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुआ है एम जी एल बाई टू वन माइनस कितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस दैट इज इक्वल टू गेन इन हाफ आई पी ओमेगा में वी सी एम है निकल जाएगा बी सी एम। बहुत बेहतरीन सवाल है। अरे यार सेंट्रल वहां से यहाँ था अब यहाँ है, पहले एल बाई टू पे था अब एल बाई टू साइन थीटा पे। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस समझा क्या? लिख लो फाइन फाइन VCM when the rod is making an angle theta with horizontal। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आज एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो आगे बढ़े, थोड़ा सा सीरियस आगे बात है, लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम कंबाइन पूछा गया यहाँ पे कि ये बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाता है, किया और कहा था कि ये सपोज सॉलिड सिलेंडर हो जाए, कुछ भी दे दिया सॉलिड सिलेंडर और फोर्स एफ लगाया, पूछा था एक्सेस। तो हम लोग क्या किया था, स्टार्ट किया था यहाँ से एफ लगाए थे आगे, है ना, एक ट्रांसलेशन मोशन का लिखा है इक्वेशन और रोटेशन, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो जीरो, इस पॉइंट का वेलोसिटी जीरो, इसका क्यू है। कभी एक सवाल किया था कि इसका सपोज वी है, इसका क्या है टू वी है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ यहाँ आया था और वो आया था कितने डिस्टेंस पे, एल बाई थ्री कुछ आया था, ठीक है ना, ओमेगा इनटू एल बाय थ्री बी हो गया था, ओमेगा इनटू एल बाय थ्री टू बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आया था इस पॉइंट का वेलोसिटी एक्जेक्टली जीरो, तो यहाँ भी वेलोसिटी किसका जीरो है, यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब इंस्टेंटेनियस एक्सिस का बॉडी बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है, क्या कर रहा है ये प्योर रोटेशन कर रहा है, तो मैं इसके अबाउट टॉर्क लिख देता हूँ, इसके अबाउट टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है ना, टॉर्क आई अल्फा, इसके बाद लिख लेते हैं। तो अच्छी बात क्या होगी इसमें कि फ्रिक्शन यहां से पास करा जो अनोन था, वो नेगलेक्ट हो जाएगा, अब उसकी जरूरत नहीं हमारे इक्वेशंस में आएगा, नहीं उसको नेगलेक्ट नहीं कहेंगे, मतलब हमारे इक्वेशंस में नहीं आएगा, वो परेशान हमें नहीं करेगा,
तो एफ का कदम तो सिर्फ क्या हो जाएगा एफ इंटू टू आर, तो टॉर्क का जाएगा बच्चों एफ इंटू टू आर, जब सेंटर के बाहर छोड़ दे तो एफ इंटू आर प्लस इसका लिख दो आपको ही जाए, पर जिसके बाहर जाए तो एफ इंटू टू आर। लेकिन ये ध्यान देना इसके लिए इसके बाद क्या करेंगे आई होगा, लेकिन आई किसके बाहर होगा अबाउट दैट पॉइंट, ये देखो आई पी इंटू अल्फा, तो अल्फा तो भाई बहुत इजीली आ जाएगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू टू आर और IP इसके बाद डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का इसके बाद क्या हो जाता है 3 बाई 2 आ जाता है ये तो जाएगा 4F बाई 3F और ये क्या है 2 क्या है 4F बाई 3 तो जरा ये आठ नीचे आ जाएगा है ना आगे अल्फा। अरे कौन सा मुझे तो ए चाहिए था ए तो ठीक है इसके बाद अल्फा इनटू आर ए इसका क्या आ जाएगा अल्फा इसके बाद तो इस अल्फा इनटू आर कितना हो जाएगा 4f बाय अब इसको देख करके बताओ पहले हमने एक कांसेप्ट बताया था क्या कांसेप्ट था इसको देख करके बताओ फ्रिक्शन आगे लग रहा है या पीछे आगे लग रहा है फ्रिक्शन तो एक सपोर्टिंग फोर्स है एफ से ज्यादा है ठीक है ना तो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है उसके ऊपर सपोर्ट इनफैक्ट आप बहुत इजीली बता दोगे कि एफ लगेगा कितना तो एफ बाई थ्री हो जाएगा आगे लग जाए है ना आई बात समझ लो कह दिया सफिशियंट फ्रिक्शन है तो अगर लेकिन बच्चों अगर ये प्योर लोडिंग है सफिशियंट फ्रिक्शन है तो अगर इसके अबाउट लोगे तो कोई स्ट्रिक्टली सेक्स सपोर्टेशन नहीं देगा तो फिर क्वेश्चन गलत होगा ठीक है ये इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो प्योर रोटेशंस कर रहा है इसके बाद प्योर रोलिंग के केस में क्या प्योर रोलिंग के केस में ही क्या है रोलिंग नहीं रहेगा तो कहना है नहीं आएगा बिकॉज वो उस केस में इस तरह से सिस्टम रोटेशन ये नहीं होगा क्लियर ये आगे बढ़ते हैं डिस्कस करें बच्चों आज हम लोग सिस्टम सीखेंगे देख पाते हैं बहुत अच्छे सवाल बनते हैं बहुत ही अच्छे सवाल और एच सी वर्मा का आज जा करके अभी देखो वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं क्वेश्चन नंबर 27 ही है ये करना है ठीक है ना दो तरीके से उन्होंने सॉल्व किया 27 को बहुत बढ़िया सवाल ये करेंगे क्लास एंगुलर मोमेंटम ऐसे किसी पॉइंट का कितना होता था किसी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी आर क्रॉस पी और अगर मैं बात करूं कोई बॉडी प्योर रोटेशन से हुई प्योर रोटेशन करा किसी एक्सिस के बाहर तो एल कितना लिखते थे आर इनटू आई इनटू आई इनटू ओमेगा ये लिखते थे एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं बॉडी मूव भी कर रहा है और कंबाइन ट्रांसलेशन ऑपरेशन तो हमें लिखना पड़ेगा पहले देश की क्या हो सकता है बच्चों में देखो तुम लोग आगे बताना एक बॉडी है जो जा भी रहा है VCM से और रोटेट भी कर रहा है कुछ ओमेगा से सेंटर मास ठीक है ना किसी पॉइंट के अबाउट किसी पॉइंट के अबाउट मान लो पी पॉइंट के अबाउट या ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना ठीक है ना तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए जो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों टोटल मास एम इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ ये वेक्टर आर क्रॉस पी एम इनटू आर सी एम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्रॉस आर सी एम हो गया क्लियर और क्रॉस जिस क्लियर आर क्रॉस पी आ गया एम इनटू और ये भी होना चाहिए बॉडी रोटेट भी कराते हैं ये हो गया प्योर ट्रांसलेशन के कारण और प्योर रोटेशन कारण क्या हो जाएगा आईसीएम बताओ एल जो हो जाएगा बच्चों इसको इसी को क्या लिखते हैं एलसीएम लिखते हैं इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेंड में हम एल इज इक्वल टू एल अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू एलसीएम प्लस एम आरसीएम क्रॉस बीसीएम ये क्लियर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो वैसे
तो लिख लिया यहाँ तक, आगे बढ़े? Yes, sir. आगे बढ़े? चलो तो सॉल्व करते हैं, बहुत बेसिक सा सवाल है। एक डिस्क का वेक्टर जो जा रहा है ये वी वेलोसिटी से और ये रोटेट कर रहा है इधर ओमेगा जो कि है वी बाई टू आर, मतलब ये प्योर रोलिंग है क्या? प्योर रोलिंग है क्या? नहीं है प्योर रोलिंग। ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता तो प्योर रोलिंग होता। मुझे निकालना है बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी एंगल ऑफ मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, एंगल ऑफ मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी, एंगल ऑफ मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी, ये पॉइंट अबाउट निकालना है एंगल ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इज इट क्लियर? ठीक है ना।
क्योंकि सर ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशंस क्या है, एल इज इक्वल टू आ जाएगा एलसीएम प्लस आरसीएम क्रॉस एलसीएम तो बहुत ही आसान है आई इंटू तो आई मान लो ये ले लेते हैं क्या सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं सॉलिड तो हाफ एम डायरेक्शन भी किधर है ओमेगा इधर है इनटू द प्लेन प्लस ये वाला बच्चों एम व्हाट इज आर सी एम जो भी है आर क्रॉस बीसीएम आर इनटू वी और साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा तो आर साइन थीटा कितना हो जाएगा आर साइन थीटा इज कैपिटल आर और ऐसे भी कहा था लाइन ऑफ एक्शन का ये परपेंडिकुलर बच्चों इम्पोर्टेंट है एकदम समझ में आना चाहिए एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू वी बाई टू आर एक आर चला जाएगा माइनस के कैप प्लस एम आर साइन थीटा को आर लिख लिया एम वी आर ये भी माइनस के कैप बोलो यहां तक सही थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो ये टू टू फोर हो जाएगा एम बी आर बाई टू प्लस एम बी आर क्या हो जाएगा टू टू फोर हो जाएगा ना फाइव एम बी आर by 4 minus बोलो कोई दिक्कत इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है लिखो यहाँ पर लिखो सर आपने वो v sin theta को तो capital R लिख लिया उस small R का अरे v sin theta को नहीं लिखा यार R sin theta R sin theta R sin theta v को R से कैसे लिखते हैं ट्यूटोरियल्स दिया था ग्रुप पे तो उसका प्रिंट आउट दे दो क्या I'm going to go to the next slide.
चलो आगे बढ़े। LB कितना होगा? एनीवन LB में बच्चों देखना है B पॉइंट का बात करें तो देखो RCM और VCM किधर है, तो ये का टर्म क्या आ जाएगा, सिर्फ LCM बचेगा। LCM कितना हो जाएगा? MR स्क्वायर बाय 2 V बाय 4 MBR MBR बाय 4 कोई दिक्कत इसमें? अब बच्चों अगर मैं बात करूं ये B पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को बता सकता है क्या इस लेवल, इसके लेवल में B पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखना, ये वाला टर्म तो वही रहेगा, ये तो सब में कोई भी पॉइंट ले ले LCM सेम रहेगा, लेकिन इसके बारे में देखते हैं बच्चों MRCM क्रॉस BCM क्या A जैसा ही है या अलग हो जाएगा? तो अगर सर RCM ये हो जाएगा RCM क्रॉस BCM इधर डायरेक्शन हो जाएगा, MVR माइनस के क्या चाहिए प्लस, तो इसका कितना आ जाएगा 3 MVR बाय 4 इस D के अबाउट। आई बात समझ में? तो अब क्या तुम ये कंफर्टेबल हो बच्चों कि हम किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? LCM तो बहुत ही आसान है, और MRCM क्रॉस VCM, इसका मतलब हुआ कि इसको एक पार्टिकल जैसा ट्रीट करना है और ये तुम्हें आता है पहले से, इसमें नहीं किधर बताया था पिछले, ये वाला टर्म आता है। ठीक है ना, बढ़े आगे। तो आशीष ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, छोड़ दूं क्या करना नहीं, मतलब क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है ना, एक सवाल ही मैं तो कर रहा हूँ कि एक सवाल भी सीख लिया तो क्लास सफल रहा, तो दो तीन सीख लिया, दो तीन चीज सीख लिया। आशीष बोलेगा सर छोड़ दो, छोड़ दो आशीष, इतना इतना सोचता है इसमें, देखो सारे बच्चे तुम्हारे साथ गोल्डन चांस मिस कर दिया। बस ये सवाल लास्ट जो फिर से मैं बता रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब आज तो तीन चार क्लास के बराबर सीख चुके, इसको सीख लेते हैं उसके बाद पक्के से छोड़ देंगे आज के क्लास, टाइम भी हो जाएगा, टाइम शायद होने ही वाला है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आज के आज का बच्चों, ये सपोज इसको दे दिया वेलोसिटी, ओके, और इसका जो वेलोसिटी है ये कुछ भी दे सकता हूँ बच्चों कि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर में देता कुछ अलग प्योर रोलिंग नहीं, वी नॉट बाई क्या देता हूँ थ्री आर दे दो, ठीक है चलो वी नॉट बाई थ्री आर तुम्हारी बात मान ली, और इसको क्या ले लो शॉर्ट सिलेंडर का तो कर ही लिया था, क्या मान लू जिसको रिंग का तो सिंपल सा है सॉलिड स्टेट, कोई भी ले लो रिंग भी लगेगा सॉलिड स्टेट,
ले लिया ये। अब सुनना बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, आज का क्लास अगर ये सीख लिया तो बहुत ही सफल, और जाके के घर पे पढ़ना है, दोबारा भी पढ़ना है ना। मुझे लगा सारे बच्चे शॉक मोड में चले गए। क्या हुआ गोविंदा, जग रहे या सो गए? जग रहे पक्का ना, रोटेशनल मोशन चल रहा है। तो इसको अगर मान लो अभी ये सरफेस रफ और म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बताओ कि इस पर फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? पहले ये बताओ काइनेटिक लगेगा पक्का, क्योंकि इसके पास दो वेलोसिटी है जो टच कर रहा पॉइंट, एक वेलोसिटी है वी नॉट और इधर कितना वेलोसिटी है ओमेगा, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा लेकिन कितना है वी नॉट बाई, तो ये v0 by 3 है, मतलब इस पॉइंट का अभी अभी वेलोसिटी v0 minus v0 by 3, मतलब वेलोसिटी किधर है? आगे आगे है ना, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आशीष देखो तुम्हें जब तक समझ में आया तभी तक पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे, एकदम समझते जाना, जब दिमाग रुक जाए तो बोल देना। फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बताओ इसका वेलोसिटी v क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि वेलोसिटी आएगा फ्रिक्शन तो वेलोसिटी कम होगा है ना। व्हाट अबाउट ओमेगा बच्चों, ओमेगा मतलब इसका वी कम होगा और ओमेगा बढ़ेगा, और वी कम होते होते ओमेगा बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा हो सकता है हाँ वी इज इक्वल टू हो जाएगा, तो जिस समय v इक्वल टू ओमेगा हो गया बच्चों, ये v और ये ओमेगा है ना, जिस समय v इक्वल टू ओमेगा हो गया तो बताओ इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग आ जाएगा। अब जब प्योर रोलिंग हो गया तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कुछ नहीं लगेगा, जरूरत ही रिसिप्रोकल का टेंडेंसी नहीं है, फोर्स लगता तो एक्सेलरेशन होता तो होता है, तो क्या होगा इट विल कंटिन्यू ऑन द सरफेस, इट विल मूव, मतलब प्योर रोलिंग स्टार्ट कर जाएगा फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो यही पूछता है बच्चों कि जिस समय प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, या कह सकता है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी द बॉडी विल एक्वायर। क्या ये सवाल समझ में आया कम से कम, हमें करना क्या है ना, और तुम लोगों ने बहुत प्यार से बता दिया कि फ्रिक्शन जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, काइनेटिक लगेगा, जब तक लग रहा उसके बाद एक टाइम के बाद वो हाँ उसके बाद सीज हो जाएगा। बोलो सवाल क्लियर ना, डायग्राम ड्रॉ कर लो, बस यही करेंगे इसके बाद आगे नहीं करेंगे, लेकिन तुम लोगों को विश्वास है 15 मिनट तो चली जाएगा। ये सीख लिया तो मतलब बहुत बड़ी चीज सीख लिया, कुछ ऐसा रिजल्ट निकालो यार कि याद रहे कि हमेशा हर साल कहें 10 साल बाद भी यहाँ का पहला बैच बहुत छोटा बैच था, सारे बच्चे बहुत सीनियर थे, अच्छा किए है ना, बिजनेस नासिक रोड का सेंटर का पहला बैच था। बोलो आशीष याद करें 10 साल बाद आओ कि सर मैंने पहला बैच पढ़ा था जो इस कॉलेज से, इतना टेंशन क्यों रहता है? मुझे गुस्से में देख रहा है अभी कर दे। या तो सोचा सर कुछ पढ़ाने समझ में नहीं आ रहा है।
क्लियर? तो समझ में आया कि क्या निकाला है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर या फाइंड व्हेन इट विल स्टार्ट स्पिरलिंग व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना? लिखो द फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन दिस बॉडी, काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन दिस बॉडी. सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? प्रोफेसर एक्सेलरेशन क्या होगा? फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास, ये तो आ जाएगा म्यू जी ना. फ्रिक्शन म्यू एल जी, यहां पे एल एम जी, म्यू एल जी डिवाइड बाय एम बाय म्यू जी. लेकिन ये डायरेक्शन के साथ नहीं है तो बिकॉज़ वेलोसिटी आगे फिक्स. अच्छा इसमें एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन तो है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी है क्या? और ये एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव? कौन सा लिया बच्चों? टू बाई फाइव mm गया म्यू जी बाई फाइव म्यू जी बाई टू आर नीचे ले लेगा. ये अल्फा होगा, अल्फा पॉजिटिव, कोई दिक्कत इसमें? बच्चों मुझे ये भी पता चल गया और अल्फा भी निकल गया. कार्तिक यहां तक समझ में आ रहा है? टॉर्क कम से कम समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन का टॉर्क इधर जाओ तो इधर आर टॉर्क शब्द को इनटू द प्लेनेट टॉर्क ओमेगा को सपोर्ट कर रहा है ना, इसलिए अल्फा पॉजिटिव है. अब कहोगे सर इसमें अगर किसी टाइम पे वेलोसिटी लिखना है, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, और बहुत सिंपल सर, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो माइनस ug into t. देखो ये इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, ये क्या लिखा है? वेलोसिटी एट एनी टाइम t और ओमेगा एट एनी टाइम t भी तुम लोग लिख सकते हो. ओमेगा नॉट कितना है? v नॉट बाय साइड 3r दिया था, 3r नॉट बाय 3r और प्लस अल्फा 5 ug अपॉन t 2r into t. ये क्या हो गया? ओमेगा एट एनी टाइम t. और मुझे निकालना है बच्चों कि किस टाइम पे वो प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा. तो जिस टाइम पे प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा v इक्वल टू ओमेगा व्हेन इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग. बच्चों ये 100% समझ में आ रहा है क्या? पक्का? सोहम पुष्कर समझ लिया था? तुम लोगों को चॉकलेट खिला दूंगा. चॉकलेट खा के बोलना नहीं समझा. बच्चों जिस समय प्योर लिंग स्टार्ट होगा v इक्वल टू ओमेगा होगा, जल्दी से निकाल के बताओ कौन बताएगा टाइम कितना आने आ रहा है? देख लो किसी का कुछ नहीं आ रहा है. अब ये टाइम निकाल ही दिया गोविंदा तो वी भी निकाल दो, उसमें वी कितना होगा? सिंपल तो यार v इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू जी टी दैट इज इक्वल टू v नॉट बाय 3r. सर 9 की जगह 21, r की जगह पे r तो चला जाएगा प्लस 5 म्यू जी बाय 2 t.
इसको ले लो इधर, टू वी नॉट बाई थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू जी, सेवन म्यू जी टी बाई टू, सो टी आ जाएगा फोर वी नॉट बाई ट्वेंटी वन म्यू जी, है ना टी आ गया। अब मुझे चाहिए v, तो कहोगे सर v हो जाएगा v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी, टी कितना हो जाएगा फोर v नॉट बाई ट्वेंटी वन म्यू जी, ये म्यू जी चला जाएगा, ये 21 है, 21 माइनस फोर कितना हो जाएगा 17 v नॉट बाई ये v हो जाएगा बच्चों, मतलब फाइनल वेलोसिटी 17 v नॉट बाई 21, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी से आगे जाएगा। देखो मेरा इंटीजर टाइप का बड़ा अच्छा सा सवाल बन गया, मैं पूछ दूंगा फाइनल वेलोसिटी जो होगा 17 v अपॉन m, m का वैल्यू निकाल लो, है ना फिर इसमें आसान सवाल बनाना कितना आसान। तो आशीष क्यों मुस्कुरा रहा है? लोग बोलेगा मुस्कुराओ तो तकलीफ ना मुस्कुराओ तो तकलीफ। मुस्कुराते हो? बस मैं चाहता कि क्यों मुस्कुरा, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। चलो ये V निकल गया, क्लियर? फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ये हमने निकाल लिया। क्या दिया था बच्चों, इसका दिया था वेलोसिटी v नॉट और ये दिया था सॉल्ड स्क्वायर और ओमेगा नॉट कितना दे दिया था v नॉट बाय 3r, और हमने निकाल लिया कि कितने टाइम बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, टाइम भी निकाल लिया और प्योर रोलिंग जब स्टार्ट होगा तो v क्या होगा ये भी निकाल लिया। इज इट क्लियर? पहला मेथड अच्छे से समझ में आया क्या? करना ही क्या था, सिंपल सा था, फ्रिक्शन लग रहा था एक्सेशन निकाला, अगला एक्सेशन निकाला, जब प्योर रोलिंग हो जाएगा तो v इक्वल टू ओमेगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड, बेसिक मेथड। सर ऐसे कर सकते हैं, नीचे एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे जहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो फिर उस दोनों पॉइंट में एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। एकदम सही बता रहा है, एक्चुअली वही बताना है। पहला जो हम लोग डिस्कस किए फर्स्ट मेथड, एकदम सही बता रहा हूँ रोमिता, तुम्हारी बात काट है। तो पहला हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड किया, बेसिक्स मेथड किया, समझा उस मोशंस को समझा और हमने निकाल दिया। अभी हम लोगों ने जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम भी हमें लिखने आता अगर कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन है तो। ऑनलाइन वाले बच्चे टिक हैं या निकल लिए? क्योंकि ऑनलाइन बड़ा लंबा होता है, ठीक है यार, अभी भी 6 बच्चे हैं। अच्छा दो तीन बच्चे मिल गए, आयुष और ये एक साथ हो गए ना, इसलिए कम हो गया। क्या हो गया, बैटरी खत्म हो गया एक का? लेकिन सिंसियर बच्चा है तो अपना नाम लिख दिया। चलो बच्चों, तो हमें करना क्या है, अब थोड़ा सा जो कंसेप्ट सीखे उसको थोड़ा यूज कर और दूसरे कंसेप्ट को देखते हैं। गोविंदा ने बहुत सही बताया, इसका अगर हम लोग बात करें तो इसमें फ्रिक्शन लग रहा है इधर, है ना, बॉडी यहां भी गया आगे भी चला गया तो भी फ्रिक्शन फोर्स तो ऐसे ही जा रहा है ना। इफ वी कंसीडर दिस पॉइंट, ये ग्राउंड का कोई भी पॉइंट ले ले, चाहे बॉडी यहां हो चाहे यहां हो, फ्रिक्शन का लाइन ऑफ फ्रिक्शन तो इसको क्रॉस करेगा ही। और कौन सा फोर्स लग रहा है? mg लग रहा है। और कौन सा फोर्स लग रहा है? लेकिन n इज इक्वल टू mg और एक ही लाइन पे, वो भी कैंसिल हो जाएगा। ये सब सबको नहीं बताता mg और n क्या है, एक ही लाइन पे है, इसलिए n इज इक्वल टू mg भी और सेम ही लाइन पे, दैट्स व्हाई इसके अबाउट टॉर्क n और mg का क्या हो जाएगा, मिल करके जीरो, और f का टॉर्क तो जीरो, दैट मींस इसके अबाउट इस बॉडी पे टोटल टॉर्क जीरो। जब टोटल टॉर्क जीरो किसी एक्सिस के अबाउट, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो। तो लिखो मेथड टू, देखो मेथड टू, मेथड टू। तो ये रिकॉर्डिंग फिर अपलोड कर देना है, क्योंकि
ये जरूर देखना, जितना मैंने पढ़ाया उतना आना चाहिए तुम लोगों को, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया। कल मैं देखा तुमने बड़ा अच्छा इनोवेशन कर दिया तुम लोगों ने, मुझे अच्छा किया, मुझे लगा ये कैसे अपने आप होगा, फिर लगा ऐसे बच्चों को दिमाग लगा। चलो तो क्या करना है इसको, देखो कंसिडर अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कंसिडर अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कंसिडर अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, नेट थॉट अबाउट द पॉइंट, नेट थॉट अबाउट द पॉइंट ऑन द बॉडी, net torque about the point of the body will be zero. So its angular momentum about the point will remain conserved. So angular momentum will remain conserved. So initial angular momentum is equal to final angular momentum. बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, एकदम लॉजिकल, मतलब अच्छा सा है, मजा आ जाता है इसको सॉल्व करने में, यूज करने में। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली कितना है देखो, मैंने सिखाया लिखने के लिए, आईसीएम ओमेगा प्लस एमआरसीएम क्रॉस बीसीएम, एमआरसीएम क्रॉस बीसीएम तो इनटू द प्लेन, आई ओमेगा भी अभी इनटू द प्लेन, दोनों इनटू द प्लेन, उसका भी दोनों इनटू द प्लेन ही होगा, तो ये आसान है, कभी कभी उल्टा भी कर दूंगा। तो अभी तो कितना लिखेंगे, सबसे पहले एम आर सी क्रॉस बी सी एम ला, एम वी नॉट इनटू आर, यही वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना, इनफैक्ट आगे भी जाएगा तो भी वैसा ही डिस्टेंस, एम वी नॉट इनटू आर इनटू द प्लेन, और आई ओमेगा प्लस कौन सा लिया था, शॉर्ट स्क्वायर लिया था ना, तो पता मैंने शॉर्ट स्क्वायर क्लास में आ गया, एग्जाम में पूछ दूंगा, होलो स्क्वायर नहीं पता है तो फिर गड़बड़ करो, तो 2/5 शॉर्ट स्क्वायर है इनटू ओमेगा, ओमेगा कितना है, बोलो ये क्लियर, और दोनों का रिएक्शन सेम, लिख ही लो, चलेगा ना, बाद में तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया, जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया है तो mv into r अब प्लस i ओमेगा 2/5 m r i ओमेगा, ओमेगा क्या लिखेंगे, v by r उसको ध्यान में रखना, क्लियर, सॉल्व करो बच्चों, कितना आ जाएगा ये, 5 और 3 15 15 2 17 वी नॉट आर बाई 15 17 V0/5 × 7 × 3 × 7 = 20 आगे ये इसमें थोड़ा कम टाइम लगा कंप्लीटिंग, डायरेक्टली वी निकल गया, इसलिए सवाल में पहले टाइम निकला था और फिर वेलोसिटी निकाला, तो सोचो कि आज यही समझ में आ गया तो बहुत बड़ी चीज है। बताइए इसमें कोई दिक्कत, दोनों मेथड समझ में आया, इनका होगा सर, अगर मान लो इस मेथड से क्या और मुझे टाइम निकालना है तो क्या नहीं निकल पाएगा, क्या तभी निकल जाएगा, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी मुझे पता चल गया,
एक्सेलरेशन भी पता है, तो v नॉट माइनस म्यू जी इनटू टी दैट इज इक्वल टू 17.7। लेकिन इसमें लगा कि पहले v निकलेगा और फिर निकल तो दोनों जाएगा, क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं इस पे सवाल दूंगा, ढेर सारे सवाल दूंगा, एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये सपोज सॉलिड सिलेंडर है, और इसको वेलोसिटी दे दिया v नॉट, उसका जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा उस समय इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? व्हेन इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ऑन, ये दे रहा हूं बच्चों, ये भी सॉलिड सिलेंडर है, इसको ओमेगा नॉट से रोटेट कर दिया है, सिलेंडर को क्या कर दिया ओमेगा नॉट से रोटेट कर दिया, जेंटली प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब रख दिया जैसे बच्चों, तो ये फ्रिक्शन बताओ किधर लगेगा? ऐसे रोटेट कर और रख दिया इसको आगे की तरफ, फ्रिक्शन लगेगा, ये फ्रिक्शन क्या करेगा? आगे आगे इसको एक्सलेट कराएगा और ओमेगा को कम कराएगा, लीनियर वेलोसिटी बढ़ाएगा और ओमेगा कम होगा, एक समय लीनियर वेलोसिटी कम होते होते बढ़ते बढ़ते और एंगुलर वेलोसिटी कम होते होते v इस तरह ओमेगा हो जाएगा, प्योर रोलिंग में इसका वेलोसिटी v v1 क्या होगा, इसका वेलोसिटी v2 क्या होगा, चलेगा? चलेगा जी, ये कल मुझे चाहिए होमवर्क में बच्चों, होमवर्क में चाहिए, टाइम हो गया क्या? सब इंक्लाइन प्लेन है ना, सॉरी क्या चाहिए? स्टार्टिंग फ्रिक्शन सफिशिएंट कहा है ना कि बाद में प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग बाद में आएगा, इतना फ्रिक्शन तो होगा नहीं, फाइनाइट तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो वही आएगा, रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि देखो म्यू कुछ भी हो, फाइनली जो हमने एंगुलर मोमेंटम डेरिवेशन से जो निकाला था वो फाइनल वेलोसिटी तो ही आएगा, उससे म्यू से डिपेंडेंट, फाइनल वेलोसिटी म्यू से डिपेंडेंट, म्यू जितना ज्यादा रहेगा वो उतना जल्दी प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, टाइम कम लगेगा, म्यू कम है तो ज्यादा टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, इज इट क्लियर? जय तुम्हारा लॉजिक समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया, नहीं मुझे लग नहीं रहा कि समझा, एक सेकंड में लिया था नीचे, बोलो इसको v नॉट दे दिया, तो अब सिर्फ v नॉट दिया ओमेगा नहीं दिया, तो यहाँ पे प्योर, यहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन काइनेटिक, ये इसके वेलोसिटी कम करेगा, ओमेगा जीरो था, जीरो से बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ही हो, क्लियर? कुछ मन में आ रहा है तो बता दो, फ्रिक्शन ओमेगा बढ़ा, फ्रिक्शन ओमेगा बढ़ाएगा ना, फिर वो एक टाइम पे सेम हो गया, प्योर रोलिंग में आ गया, सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू ओमेगा, यस, अभी कोई भी ओमेगा नहीं दिया, शायद ये पूछ रहे थे, अभी सिर्फ वी नॉट दिया, इसमें सिर्फ ओमेगा दिया, और तीसरा सवाल, कुछ डाउट आ रहा है मुझे लग रहा है, जय कुछ बोलना चाह रहा है, बोल ले, नहीं नहीं बता तो दो, मुझे भी पता चले ना, वी नॉट दे दिया इधर, और बच्चों ओमेगा नॉट इधर जाता तो चलता, इधर दे देता हूं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर, और फाइनल वी क्या होगा? वी थ्री जब प्योर रोलिंग होगा, ये तीन सवाल है, तीनों में मैंने सॉलिड सिलेंडर ही बता दिया, सर सेकंड वाले में जो फ्रिक्शन है वो वेलोसिटी बढ़ाएगा ना, ओमेगा आगे की तरफ रोटेट करके, ऐसे भी रोटेट करके रखो, एक ऐसे डिस्क रखो, रखो सरफेस पे, देखो आगे जाकर ज्यादा स्पीड से जाता है, फिर वो एक टाइम के सेम रहेगा, तो एंड करें सेशन आज का, बाय बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, यस सर, बाय बाय सर, बाय सर, बीएसबी सर का है आज, कुछ सीखा क्या?
यस सर हाँ सर यस सर सर पीएसपी सर यस सर चलो बाय बच्चों बाय सर।